तमाम लोग जो है अभी ज्योति मठ की मैं बात कर रही थी, लगातार जोशी मठ में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, तमाम लोग घरों से बाहर हैं और आशियाने में ऐसे ठंड में आशियानों को ढूंढ रहे हैं, तो उसी पर अभी हमारे साथ सर हैं। सर, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं धीरेन्द्र प्रताप हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ और उत्तराखंड कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ और पूर्व मंत्री भी हैं जी। सर, तमाम स्थितियां इस तरीके की बनी हुई हैं, वहां पर लोग मजबूर हैं, क्या वहां की जमीनों पर अब बुलडोजर चलाने की जो बात की जा रही है, बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके आशियानों को जो छीन लिया जाएगा, उससे पहले उनको ठिकाने भी तो दिए जाएं और पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बस बातें कही जा रही हैं तमाम टीवी मीडिया। इसीलिए मैंने कहा है कि भाजपा का जो रवैया है वो 4,000 रुपये जो उन्होंने दिया है वो केवल एक ऊँट के मुँह में जीरा है, और हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेब में नहीं फूटी कौड़ी, बातें लंबी चौड़ी। जब आदमी के पास धन नहीं रहता तो उसका कोई भी सुरक्षा नहीं हो सकती, और इसीलिए मैंने ये कहा कि सरकार को 1,000 करोड़ रुपये का पैकेज राज्य सरकार को देना चाहिए, और यहाँ पर प्रस्ताव पारित भी हुआ है, सभी लोगों ने हाथ उठाया आपके सामने। और सरकार के पास पैसा चला जाता है तो फिर वो अगर लोगों में पैसा वितरित कर देगी तो वो इस ठंडी के मौसम में अपना कुछ समय गुजार देंगे, इस बीच में सरकार अपने घर बनाना शुरू करे। अब ये कहेंगे कि रात रात में कहीं घर बना देंगे, वो तो संभव नहीं है। आप लोग भी अपना घर बनाते हैं, सालों लग जाता है, इसमें समय लगता है, लेकिन सरकार फैब्रिकेटेड हाउस की बात कह रही है तो तत्काल उनको बनाए, वहाँ के लोगों की जेब में कुछ पैसा दे। और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने तो कहा कि उनको देहरादून बसा दें, अब मैं तो अभी इस बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतने ठंडे इलाके के लोग देहरादून या हरिद्वार की गर्मी में वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये उनको तय करना है, लेकिन सरकार को इसको तत्काल फैसला लेना चाहिए। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री से मांग है कि दिल्ली से जल्दी से पैसे की सहायता वहाँ पर मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, जिससे कि नीचे लोगों को पैसा दिया जा सके। अभी क्या है, अभी अखबार में आया कि 1,23,000 रुपये दे रहे हैं वो एक घर के मालिक को, जिसमें 50,000 में वो अपना सामान उठा के ले जाए, ये ले जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी सहायता नाम मात्र की सहायता है। अभी तो सरकार ने 6 महीने पहले कहा था कि जो जानवर हमारे लोगों को मारते हैं, वहाँ पर शेर मारता है, बाघ मारता है, गुलदार मारता है, हाथी मारता है, तो उनको 4,00,000 रुपये देंगे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने 6 महीने पहले कहा अब हम 5,00,000 रुपये देंगे, अब कहा 6,00,000 रुपये देंगे, केवल जबानी घोषणा करी, आज तक कोई गजटेड ऑफ वो निकला नहीं, नोटिफिकेशन जो जियो निकलना चाहिए, तो ये खाली जवानी जमा खर्च की सरकार है, ये हमारी चिंता है। तो सर, बात ये है कि स्थिति ऐसी क्या बनने दी गई, तमाम सरकार जो है देख रही है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं ले रही है, तो ऐसी स्थिति जानबूझ के बनने दी गई ताकि उस जमीन पर कब्जा किया जा सके, अडानी अम्बानी जैसी बड़े बड़े लोगों में ये बांटी जा सके? नहीं, ये तो खैर कोई अलग सवाल है, लेकिन मैं जोशी मठ तक ही अपने को सीमित रखूंगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर तत्काल बड़ी आर्थिक सहायता देनी चाहिए, और ठंड से जो लोगों पर जान जाने का एक खतरा हुआ है, उस खतरे को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए, और अगर स्थानीय प्रशासन इसमें विफल हो रहा है तो सेना की मदद लेनी चाहिए। नहीं सर, मेरा सवाल यही है कि ऐसी स्थिति बनने दी गई, क्योंकि दरार एक रात में तो नहीं आई है, दरारें आ रही हैं, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है, तो ये क्या सरकार को नहीं दिख रहा था, या ऐसी स्थिति का वो इंतजार कर रहे थे? दरअसल मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ साल पहले मसूरी गया था, और वहाँ लंढौर में बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनको पिछले 30-40 साल से कहा जा रहा है टूट जाएंगे, लोगों से कहा भी जाता है कि खाली करते हैं, कई बार लोग भी इसमें अपने घरों दे हैं उनके, उनसे प्यार करते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो ये भी एक कारण है। तो सर, अभी जिस तरीके से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, ये संगोष्ठी से क्या फर्क पड़ेगा, क्या सरकार है वाकई में वहाँ पे? देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के और देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी और विद्वान आए हुए थे, और उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं, और जब ऐसी गोष्ठियाँ होती हैं तो खुफिया एजेंसियों के लोग भी वहाँ पर रहते हैं, मैं समझता हूँ, और मीडिया यहाँ पर बड़ी तादाद में, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आए, जब आप लोग इस सवाल को उठाएंगे तो देश में सवाल उठेगा, अखबार टीवी में जाएगा, तो शासन के लोग उसको सुनेंगे। अब जब मैं कह रहा हूँ कि 4,000 रुपये कम है और 1,000 करोड़ रुपये का पैकेज देना चाहिए, तो संदेश तो जा ही रहा है कि उत्तराखंड के जो लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं उत्तराखंड का पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 1987 में, मेरी स्वर्गीय माताजी 1978 में जेल गई थी, तो
तो हम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है, तो हमारी वो चिंता है कि उत्तराखंड को कैसे बचाया जाए। और जब हम लोग ये बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को सुनना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री उदारतापूर्वक जोशीमठ के परेशान लोगों की सहायता करेंगे। कांग्रेस इसमें, कांग्रेस का कितनी सहायता गई है या कांग्रेस इसमें कितनी साथ है? देखिए, कांग्रेस का तो अभी तमाम नेतृत्व इस समय वहीं हैं, और कल मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे तो कांग्रेस की लीडरशिप को मिलने नहीं दिया गया, वहाँ जुलूस निकला, सत्याग्रह हुआ, लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री को उनको समय देना पड़ा। मैं समझता हूँ ऐसे समय में भी विपक्ष का सहयोग न लेना ये प्रजातंत्र की हत्या है। तो सर मान रहे हैं कि वाकई में हत्या की जा रही है, इस तरीके का व्यवहार एक मंत्री का कि मिल नहीं रहे हैं और ऐसी स्थिति बनी हुई है एक तरफ? नहीं, बाद में मुख्यमंत्री मिल गए, गवर्नर साहब भी हमारे कांग्रेस के, जद्दोजहद के बाद ही, क्यों? ये उचित नहीं है, इस तरह का सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अगर वहाँ लोग घूम कर आए तो उनकी रिपोर्ट सुनी जानी चाहिए, और विपक्षी दलों का भी सम्मान होना चाहिए, यही प्रजातंत्र का तकाजा है। तो यानी मान लिया जाए कि सरकार वाकई में इस तरीके की नीति या रणनीति बनाता ही रहता है कि जिसमें लोगों को आवाजें उठानी पड़े, सड़कों पर आना पड़े? निश्चय ही विपक्ष के लोगों का दायित्व है, और जब दायित्व तो हम निभाते हैं तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का सवाल नहीं है, सवाल समाज नीति को चलाने का है। समाज नीति ठीक चले और सत्ता में बैठे लोग जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है उसको पूरा करें, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये तमाम लोगों की जो वहाँ की समस्याएँ लेकर के यहाँ पर आज जो प्रेस क्लब में संगोष्ठी रखी गई, तमाम लोग जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी जो है बातें रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े सवाल अभी भी यही खड़ा हुआ है। ये लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमारी बहुत विनम्र निवेदन है कि वो इस पर जो है संज्ञान लें और देखें और इस पर चर्चा करें और वहाँ पर उसके हालात जो बने हुए हैं उन लोगों को सहायता पहुँचाएँ। तो क्या ऐसी स्थिति बनने दी जा रही है या बनने देने के लिए ऐसा किया जा रहा है? तो ये तमाम बातें हैं जो टीवी मीडिया आपको दिखा तो रही है कि जोशीमठ में ऐसा हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है इसके पीछे की बातें नहीं बताएगा कोई भी। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे से योगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, प्रेस क्लब, दिल्ली।